सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 59 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। थर्ड से फिफ्थ तक के बच्चों की वर्कशीट है 11 सितंबर 2020 की। ओके, बच्चे अपना नाम लिख लेंगे, कक्षा व भाग लिख देंगे अपना, कौन सी क्लास में है, अध्यापक अध्यापिका का नाम लिख देंगे। तो बच्चे इसका टॉपिक है हेल्दी वेजिटेबल, स्वस्थ सब्जियां, जो हेल्दी वेजिटेबल्स होती हैं। ओके, तो आप ध्यान से सुनिए, मैं समझा देती हूँ वर्कशीट थोड़ी सी। वेजिटेबल्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर फूड। सब्जियां जो होती हैं वो हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण भाग हैं। ईटिंग वेजिटेबल, सब्जियों को खाना, मेक्स अस, हमें बनाता है हेल्दी, स्वस्थ एंड और क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, पौधे के अलग अलग भाग आर ईटन एज खाए जाते हैं एज वेजिटेबल, सब्जियों की तरह। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम देख लेंगे, वी ईट लीव्स, हम पत्तियां खाते हैं इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, किस रूप में खाते हैं हम, जैसे स्पिनेक एंड कैबेज, पालक और बंद गोभी के रूप में। जो पालक और बंद गोभी होती है वो बच्चों पत्तियां होती हैं, ठीक है, लेकिन वो भी सब्जियां होती हैं। तो वी ईट रूट्स, जड़ें कौन सी होती हैं, इन द फॉर्म ऑफ पोटैटोज, टर्निप एंड कैरेट। जड़ें कौन सी होती हैं, जो जड़ सब्जियां होती हैं जिन्हें हम खाते हैं, वो होती हैं आलू, टर्निप में शलजम एंड कैरेट्स में गाजर। पम्पकिन एंड ब्रिंजल आर द फ्रूट्स ऑफ वेजिटेबल प्लांट्स, और वेजिटेबल्स सब्जियों के पौधों के जो फल होते हैं, जिन्हें फल कहा जाता है, वो कौन से होते हैं, पम्पकिन, कद्दू मतलब सीताफल, और ब्रिंजल, बैगन। ओके स्टूडेंट्स, ओके, पीस एंड कॉर्न, पीस मिस मटर, कॉर्न मिस मक्का, आर द सीड्स, ये क्या होते हैं, बीज होते हैं, दैट वी ईट, जो हम खाते हैं। सम वेजिटेबल्स आर कुक्ड वाइल सम कैन बी ईटन रो, कुछ सब्जियां पकाकर खाई जाती हैं जबकि कुछ सब्जियां कच्ची खाई जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये रेड कलर से जितना लिखा हुआ है ये हमारे आंसर्स हैं, हमने लिख दिए हैं, अब हम इन्हें देख लेते हैं किसमें क्या आंसर लिखना है। तो ये है बच्चों ईटिंग वेजिटेबल्स, सब्जियां खाना, मेक्स अस, सब्जियां खाने से हम कैसे बनते हैं हेल्दी, स्वस्थ एंड स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली, ठीक है। हम ये भी लिख देंगे यहाँ पर हिंदी में, सब्जियों को खाने से हम स्वस्थ और ताकतवर बनते हैं, हिंदी में हमने लिख दिया स्वस्थ और ताकतवर, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लीजिए, राइट द नेम्स ऑफ टू रूट्स वेजिटेबल, दो जड़ सब्जियों के नाम लिखने हैं हमें, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो इंग्लिश में हम लिख देंगे पोटैटोज एंड कैरेट, आलू और गाजर, सब्जियों के नाम लिखिए जो जड़ हैं, कौन कौन से हम लिख देंगे, यहाँ पर हमने ऊपर लिख दिए, ये रहे यहाँ पर आलू और गाजर, ठीक है। अब राइट द नेम्स ऑफ टू लीफी वेजिटेबल, जो पत्ती वाली सब्जियां उनके नाम लिखने हैं, तो हमने यहाँ लिख दिए स्पिनेक, पालक और कैबेज, बंद गोभी। अब पत्तेदार सब्जियों के नाम लिखिए, कौन सा हमने लिख दिए, पालक और गोभी। अब देखिए, राइट द नेम्स ऑफ टू वेजिटेबल्स दैट आर ग्रीन इन कलर, अब हमें ऐसी दो सब्जियों के नाम लिखने हैं जो हरे रंग की होती हैं, तो स्पिनेक, पालक और कैबेज, ये दोनों हरे रंग की होती हैं, तो हमने वही सेम लिख दिया, ठीक है। अब ऐसी सब्जियों के नाम जो हरे रंग की होती हैं, हमने यहाँ पालक और भिंडी लिख दिया, ठीक है, भिंडी बिल्कुल हरी होती है, ठीक है। आप यहाँ लेडी फिंगर भी लिख सकते हैं, लेडी फिंगर और स्पिनेक, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ साइड में, कुछ बच्चे लेडी फिंगर लिखना चाहें तो वो लेडी फिंगर लिख सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल ही ग्रीन होती है, जैसे पालक ग्रीन होता है ऐसे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखेंगे, लुक एट द पिक्चर अबव द एंड आइडेंटिफाई द वेजिटेबल। ओके, हमें ये पिक्चर भी देखनी है, उससे पहले हमें क्या पूछा हुआ, वेयर डज इट ग्रो, मतलब इस सब्जी की बात हो रही है, ये देखो टर्निप शलजम की पिक्चर दिखाई हुई है ना, तो हमसे पूछा वेयर डज इट ग्रो, ये कहाँ उगती है, तो हम लिख देंगे इन रूट, जड़ में उगती है ये, हमने हिंदी में भी लिख दिया कहाँ उगती है, जड़ में। अब नेम अदर वेजिटेबल दैट ग्रोज इन द सेम वे, अब इस तरह से
दूसरी सब्जी का भी नाम लिखिए जिसे इसी तरह से जड़ में उगाया जाता है, तो हम यहाँ लिख देंगे कैरेट, ठीक है, हिंदी में लिख देंगे गाजर। आप सिक्स देखिए, सिक्स में पूछा गया है ड्रॉ एंड कलर द वेजिटेबल दैट यू लाइक द मोस्ट, दैट यू लाइक टू ईट द मोस्ट। आपको सब्जी ऐसी लिखनी है जो आपको खानी पसंद हो, ठीक है, और उसका चित्र बनाकर आपको कलर करना है। आपको बच्चे जो सब्जी अच्छी लगती हो आप उसका नाम लिख देना। मैंने यहाँ पर लिख दिया है ब्रिंजल, बैगन, हिंदी में भी लिख दिया मैंने बैगन। और फिर उसके बाद मैंने आपको दिखाने के लिए, देखिए पहले आप ऐसे ड्रॉ करना, ये बैगन ड्रॉ हो गया, फिर उसके बाद बच्चों आप उसमें ऐसे कलर कर देना, जैसे ड्रॉ करोगे वैसे ही, ऐसे ऊपर ग्रीन सा कर देना और फिर उसके नीचे ऐसे पर्पल सा कर देना, ठीक है, ये वॉयलेट कलर जो होता है वो वाला कलर कर देना। ओके बच्चों, तो ये वर्कशीट आपकी सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।